नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सीटेट ईवीएस की। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आप इनको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए और अपनी कॉपी में नोट्स कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ मिल जाएगा, और एक बार आप ध्यान से सुनोगे और एक बार लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, लिंग हु फैन, लिंग फैन क्या है, ये क्वेश्चन इस साल भी आया था, 2020 में भी आया था और ये 2018 में भी आया था। लिंग हु फैन क्या है, हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। लिंग फैन जो है ये हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। तो आपको ध्यान देना है। उसके बाद है टेपिकोआ, दोस्तों ये भी इस साल आया था क्वेश्चन, टेपिकोआ पीछे भी आया था ये क्वेश्चन। टेपिकोआ, टेपिकोआ क्या है, यह केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है, यह केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है, यह एक फल एवं सब्जी है, यह फल है और एक सब्जी है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आसाम में बारिश के कारण मकान 10-12 फुट ऊंचे लकड़ी के खंभों पर बनाए जाते हैं। आसाम में जो मकान है वो बारिश के कारण 10-12 फुट ऊंचे लकड़ी के खंभों पर बनाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कभी कभी घुमा के भी पता कर लेते हैं, कि जैसे एक बार क्वेश्चन ये आया था कि मैं ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ मकान जो है 10-12 फुट ऊंचे खंभों पर बनाए जाते हैं और वहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, तो वो जगह कौन सी है, तो वो जगह दोस्तों आसाम। आपको ध्यान देना है केवल। मनाली में लकड़ी तथा पत्थर के मकान बनाए जाते हैं, मनाली में लकड़ी तथा पत्थर के मकान बनाए जाते हैं। राजस्थान में मिट्टी के मकान बनाए जाते हैं और इनकी दीवारें तथा छत कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं, जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहते हैं, कहवा कहते हैं, और इसमें बादाम डाला जाता है। उसके बाद देखो दोस्तों, बल्लम से बनी लकड़ी की एक छोटी सी नाव होती है, बल्लम से बनी लकड़ी की एक छोटी सी नाव होती है और यह केरल में चलती है। तो वो क्वेश्चन पता कर लेते हैं कि जो बल्लम से बनी लकड़ी की एक छोटी सी नाव होती है वो कहाँ चलती है, केरल में चलती है। एक हाथी, ये क्वेश्चन इस साल भी आया था और पीछे भी पूछा गया है, पीछे जो परीक्षाएं होती है, क्योंकि सीटेट एक ऐसी परीक्षा है दोस्तों वहां क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप एनसीईआरटी की किताब ले लो, पहले से पांचवी तक की, कक्षा एक से पांच तक की, तो पांच पहली दूसरी में तो कुछ होता ही नहीं है, तीसरी चौथी पांचवी आप इन किताबों को देखोगे तो आपको 15 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि 15 पैडागोगी के आते हैं, 15 क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, एक हाथी दिन में 100 किलो पत्ते और झाड़ियां खा लेता है, एक जो हाथी होता है वो दिन में 100 किलो पत्ते तथा झाड़ियां खा लेता है। एक हाथी दिन में 2-4 घंटे सोता है, हाथी जो होता है 2-4 घंटे सोता है, और हाथियों के झुंड में सिर्फ हथनियां और उनके बच्चे होते हैं। क्वेश्चन आ रहा है कि हाथियों के झुंड में कौन होते हैं, हाथी नहीं होते, हथनियां और उनके बच्चे होते हैं, और बच्चे 10-15 साल तक साथ रहते हैं, उसके बाद अलग हो जाते हैं। इनके झुंड में संख्या जो होती है वो 10-12 होती है। तो दोस्तों, आप अगर एक बार सही से सुन रहे होंगे, इसके नोट्स बना लीजिए और इसका पुनरावृत्ति करते रहिए, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, चींटियां एक दूसरे की महक से एक ही लाइन में चलती हैं, चींटियां जो होती हैं एक दूसरे की महक से ही एक लाइन में चलती हैं, ये फॉर्मिक एसिड छोड़ती हैं और उसी के कारण ये एक लाइन में चलती हैं एक दूसरे की महक से। खेजड़ी के पेड़ राजस्थान जोधपुर के खेजडली गांव में पाए जाते हैं, जो खेजड़ी के वृक्ष हैं, खेजड़ी के जो पेड़ हैं, ये राजस्थान जोधपुर के खेजडली गांव में पाए जाते हैं और यहाँ के निवासियों को बिश्नोई कहते हैं,
यहां पर पेड़ काटना और शिकार करना निषेध है। तो दोस्तों ये 1700 ईस्वी की बात है, 1700 की बात है, 1700 ईस्वी के आसपास की बात है। तो होता क्या है, जोधपुर के राजा ने अपना महल बनवाने के लिए लकड़ियां कटवाना शुरू कर दिया, वनों को काटना शुरू कर दिया। तो वहां पर अमृता बिश्नोई नाम की एक महिला अपने खेतों पर अपनी बेटियों के साथ काम कर रही थी, तो वो जो है पेड़ों से चिपक गई और अमृता बिश्नोई की और उनकी बेटियों की और सैकड़ों लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। तो जोधपुर के राजा ने काम रुकवा दिया और बिश्नोई जाति को एक प्रमाण पत्र दिया, एक ताम्र पत्र दिया कि जहां पर बिश्नोई जाति निवास करेगी वहां पर पेड़ काटना और शिकार करना निषेध है। तो दोस्तों खेजड़ी के जो पेड़ हैं वो राजस्थान के जोधपुर गांव में पाए जाते हैं, यहाँ के निवासियों को बिश्नोई कहते हैं, यहाँ पर पेड़ काटना और शिकार करना निषेध है। और ये जो खेजड़ी के जो वृक्ष होते हैं ये दवा में भी काम आते हैं और इनकी जो फली होती हैं उनसे सब्जी भी बनाई जाती है। चींटियों का काम बटा हुआ होता है, चींटियां जो होती हैं इनका काम बटा हुआ होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और मजदूर चींटी बिल तक भोजन लाने का काम करती है। इसी प्रकार मधुमक्खी दीमक ततैया का भी काम बटा हुआ होता है। मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती है। क्वेश्चन पता कर लिया गया है ये भी कि मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती है और इसी समय इनका पालन पोषण किया जाता है। गोवा से केरल तक 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। गोवा से केरल तक हम जाएंगे तो 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। ये क्वेश्चन 2019 में आया था। कंडम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और यह 130 किलो वजन उठाती है। इन्होंने भारत से बाहर 29 मेडल जीते हैं और 12 वर्ष की आयु में वेट लिफ्टिंग इन्होंने शुरू किया था। तो देखिए दोस्तों अगर आप ध्यान से सुनिए और अपने नोट्स बनाते चलिए, मैं समझता हूं कि आपको कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा, क्योंकि जो सीटेट की जो परीक्षा है वो एक चिंतन की परीक्षा है और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आपको 15 क्वेश्चन इसी तरह के मिलेंगे और 15 क्वेश्चन पैडागोगी के होते हैं। इस तरह से 30 नंबर का ईवीएस पूरा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, अहमदाबाद गांधीनगर तथा वलसाड गुजरात में है। ये कहां पर है, ये गुजरात में है। अहमदाबाद गांधीनगर तथा वलसाड गुजरात में है तथा कोझिकोड केरल में है। इस तरह के क्वेश्चन भी पता कर लिए जाते हैं कि ये कहां पर है, क्योंकि इनकी चर्चा की गई है जो एनसीईआरटी की किताब है तीसरी चौथी पांचवी तक। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा और नानी को अमियम्मा कहते हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा तथा नानी को अमियम्मा कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से, कचनार एक होता है उसमें फूल आते हैं, पेड़ होता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से तथा केरल में केलों के फूलों से और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। ये सब्जी बनाने में काम आते हैं जो फूल होते हैं। गुलदावरी तथा जीनिया के फूलों से रंग बनाए जाते हैं। जो गुलदावरी और जीनिया होते हैं इनके फूलों से रंग बनाए जाते हैं जिनसे कपड़े रंगे जाते हैं। बिहार का मधुबनी, बिहार में एक जिला है मधुबनी, वहां पर त्योहार के दिन दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, वहां पर त्योहार के दिन जो है चित्र बनाए जाते हैं। और ये जो चित्र दोस्तों बनाए जाते हैं इसमें क्या होता है,
बिहार का जिला मधुबनी में त्योहार के दिन दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं और ये जो चित्र होते हैं पिसे हुए चावल में रंग डालकर बनाए जाते हैं, पिसे हुए चावल में रंग डालकर बनाए जाते हैं, जो बिहार का जिला मधुबनी है त्योहार के दिन दीवारों पर चित्र बनाते हैं और जो पिसे हुए चावल होते हैं उसमें रंग डालकर वो चित्र बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में इत्र बनाने का काम किया जाता है। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है यहाँ पर इत्र का बहुत बड़ा काम होता है। नीम तथा कीकर के पेड़ में दीमक नहीं लगती। नीम और कीकर का जो पेड़ होता है उसमें दोस्तों कभी दीमक नहीं लगती। मिट्टी में गोबर मिलाने से, लिपाई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। गाँव में आज भी जो है मिट्टी में गोबर मिलाकर लिपाई होती है और जिसे हम चौका बोलते हैं गांव की भाषा में, चौका लगाना, तो ऐसा होने से जो है मतलब कीड़े नहीं लगते हैं। दोस्तों अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और घंटी को जरूर दबाएं ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। सिर्फ दोस्तों आपको मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, ये जो परीक्षा होती है 15 क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेंगे जो मैं वन लाइनर क्वेश्चन की आपसे चर्चा कर रहा हूँ और 15 क्वेश्चन आपके पैडागॉजी के होंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन ध्यान से देख लिए तो आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि ये सभी को, ये जो जितनी भी चर्चा मैं कर रहा हूँ एनसीईआरटी पर आधारित ये सारी चर्चा है और पर्यावरण का जो भी पेपर होता है वो कक्षा 1 से 5 तक जो EVS है उसी से होता है सब पेपर। 1 और 2 में तो खैर कक्षा 1 और 2 में तो कोई चर्चा नहीं है EVS की इतनी, 3, 4, 5 की आप केवल अगर किताब भी देखेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गाजी खान पाकिस्तान में है, ये भी एनसीईआरटी में चर्चा की गई है इसकी। गाजी खान पाकिस्तान में है, सोहना गांव हरियाणा में है। सोहना गांव कहां पर है? हरियाणा में है। और मैं आपको एक बात बताऊं, सोहना गांव जो है ये इसमें एक शिवकुंड भी है जहां जमीन से गंधक का पानी निकलता है, जिनको चर्म रोग होता है वो अगर इस कुंड में डुबकी लगाएं तो चर्म रोग सही हो जाता है, डॉक्टर लोग भी वहां के लिए रिकमेंड करते हैं। तो सोहना गांव वहां पर है, हरियाणा में है। बेल बनिका गांव कर्नाटक में है, बेल बनिका गांव कर्नाटक में है। गीजू भाई बदेगा एक लेखक है जो गुजरात के रहने वाले हैं। यह बच्चों के स्तर की मजेदार कहानियां तथा पत्र लिखते हैं। गीजू भाई जो बदेगा है ये गुजरात के रहने वाले हैं और ये बच्चों के स्तर की मजेदार कहानी और पत्र लिखते हैं। गीजू भाई बदेगा ने एक बात कही थी, जो बच्चे होते हैं ये ईश्वर का रूप है और अध्यापक जो होता है पुजारी होता है। तो एक बड़ी अच्छी बात कही थी इन्होंने। कलचिड़ी को इंडियन रॉबिन भी कहते हैं, ये चिड़िया होती है कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन, यह पत्थरों में घोंसला बनाती है। वो ये क्वेश्चन पता कर लेता है कि जैसे कलचिड़ी का ही पूछ लिया कि कलचिड़ी कहाँ घोंसला बनाती है, पत्थरों में घोंसला बनाती है। यह एक चिड़िया है, घोंसला घास का बना होता है। आपको ध्यान देना है कलचिड़ी या इंडियन रॉबिन जो होती है ये पत्थरों में घोंसला बनाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो कौवा होता है, कौवा होता है, कौवे का घोंसला लोहे के तार तथा पेड़ की शाखाओं से बना होता है। जो कौवा होता है वो अपने घोंसले में लोहे के तार मतलब उपयोग में लाता है, लोहे के तार तथा पेड़ की शाखाओं से बना होता है। और जो कौवा होता है वो सबसे ऊपर, सबसे अधिक ऊंचाई पर ही घोंसला बनाता है। और कौवा के घोंसले में ही अंडे देती है। कोयल जो है कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। फाकता कैक्टस, ये भी एक चिड़िया है। फाकता कैक्टस कांटों तथा मेहंदी की मेड़ के बीच में घोंसला बनाती है। फाकता कैक्टस जो है कांटों और मेहंदी की मेड़ के बीच में घोंसला बनाती है। इसको याद कर लेना, कैक्टस इसमें कांटे होते हैं, तो यह कांटे नाम भी इसका इसी तरह से, ये फाकता कैक्टस
कांटों तथा मेहंदी की मैंड के बीच में, जो मेहंदी होती है उसकी मैंड के बीच में, गोरैया अलमारी के ऊपर या दर्पण के पीछे कहीं भी घोंसला बना लेती है। गोरैया चिड़िया पीछे तो काफी दिनों तक दिखाई नहीं देती है, अब तो दिखाई भी देनी शुरू हो गई है। गोरैया अलमारी के ऊपर या दर्पण के पीछे कहीं भी घोंसला बना लेती है। इसी प्रकार कबूतर भी कहीं भी घोंसला बना लेता है। तो इनमें से क्वेश्चन अक्सर दोस्तों पता किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बसंत गौरी, ये भी चिड़िया है, बसंत गौरी पेड़ के तने में छिद्र करके उसमें अपने अंडे रखती है। जो बसंत गौरी चिड़िया होती है ये पेड़ के तने में छिद्र करके उसमें अपने अंडे रखती है। दर्जन चिड़िया की चोंच नुकीली होती है, वह पत्ते को सी लेती है। तो इसको थोड़ा याद कर सकते हो आप, दर्जन, दर्जी, दर्जी का काम क्या होता है, कपड़े सीना, कपड़े सीना। तो ये क्या करती है, दर्जन चिड़िया की चोंच नुकीली होती है, वह पत्ते को सी लेती है और उसमें थैली बनाकर उसमें अंडे रखती है। शक्कर खोरा पेड़ की टहनियों तथा झाड़ियां जो लटकी रहती हैं उस पर घोंसला बनाती है। शक्कर खोरा जो होता है वो पेड़ की टहनियों और झाड़ियां जो लटकी रहती है उस पर घोंसला बनाती है। बीवर पक्षी में सभी नर बीवर घोंसला बनाते हैं। जो बीवर पक्षी होता है इसमें सभी नर बीवर जो है घोंसला बनाते हैं, और मादा बीवर को जो घोंसला पसंद आता है वह उसमें अंडे रखती है। मादा को जो घोंसला पसंद आएगा वो उसमें अंडे रखती है। गाय के अगले दांत छोटे होते हैं और घास को काटने और चबाने के लिए चपटे होते हैं। क्वेश्चन पता कर लिए जाते हैं आपसे। सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह शिकार को निगलता है, कभी चबाता नहीं है, क्या करता है वो, निगलता है शिकार को। बिल्ली के दांत मांस फाड़ने के लिए नुकीले होते हैं। गिलहरी के दांत बढ़ते रहते हैं परंतु किसी भी चीज को खाने से उसके दांत घिसते रहते हैं। गिलहरी होती है उसके दांत बढ़ते रहते हैं परंतु जब वो किसी भी वस्तुओं को या किसी चीज को खाती है तो उसके दांत दोस्तों घिसते भी रहते हैं। देखिए ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है और ये सब एनसीईआरटी की किताब, बिल्कुल एनसीईआरटी का निचोड़ है एकदम से। और मैं समझता हूँ कि आपको ये, मेरे पास मैं लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास है पूरा सेट जो मैं 41 तक पहुंच चुका हूँ। तो आप सिर्फ इसको एक बार देखिए और उसके बाद मैं आपको एक पैडागॉजी की वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि जो EVS है वो NCERT की किताबों पर ही आधारित पेपर आता है, CTET का पेपर ही वहीं से आता है। तो ये सब आप एक बार देख लीजिए, मैं समझता हूँ कि जब एक दो बार आप इसका रिवीजन करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, उसके बाद देखिए दोस्तों, मुक्तापुर आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। मुक्तापुर जो है, ये क्वेश्चन CTET में कई बार परीक्षा में पता किया गया है। मुक्तापुर आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। यहां अधिकतर बुनकर परिवार रहते हैं, इसलिए बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। जैसे बनारसी साड़ी है ऐसे यहां भी जो है पोचमपल्ली साड़ी है, और एक प्रसिद्ध हो रहे हैं कि साड़ी कलमकारी। तो पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। मुक्तापुर कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। यहां अधिकतर बुनकर परिवार रहते हैं और इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। तो वो पता कर लेते हैं कि भाई पोचमपल्ली जो साड़ी है कहां मिलती है। इस तरह से आबूधाबी में रुपया को दिरहम कहते हैं, आबूधाबी में रुपया को दिरहम कहते हैं, दिरहम। मलयालम में चाचा को चिटप्पन और चाची को कजुम्मा कहते हैं, चाचा को चिटप्पन तथा चाची को काजुम्मा कहते हैं। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। कप परेड मुंबई में स्थित है, कप परेड कहां पर है, मुंबई में स्थित है। तो ये दोस्तों मैंने अभी आपको लगभग 46 क्वेश्चन तैयार किए NCERT की किताब से, और आप इसको बहुत अच्छे से देखिए।
आप बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और घंटी को दबाएं ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।